का एक अफवाह आएगी कि वो चेयरमैन ने चेयरमैन के कहने से कैंसिल हुए, तो हमने उनको 3-4 नोटिस भी दिए कि वो किसके कारण आपने कैंसिल किए, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कैंसिल भी उन्होंने खुद ही किए, वो खुद ही नहीं चाहते भी ये का कार्य हो, इसलिए ये आरोप लगाते हैं। कुछ ऐसे बात आ रही है सूरत के चेयरमैन वो भी आरोप लगा रहे हैं कि जो ये मीटिंग है वो प्रधान के कारण ही हुई। यदि प्रधान के कारण मीटिंग न होती तो प्रधान धरने प्रदर्शन क्यों करता? प्रधान SDM को, DC को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, यहाँ तक मैं मुख्यमंत्री को मिलने गया, मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन भी दिया, फिर वो क्यों करता? ये तो उनकी एक मिली भगत है, 2-4 पार्षद हैं जो उनके साथ मिले हैं और ये वैसे आरोप लगाते हैं, क्योंकि जो पद से हटेगा उसको कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है, उस तकलीफ के चाहते वो ऐसे आरोप लगाते हैं, वो शहर में काम ही नहीं होने देते, इसलिए ये आप भी जानते हो और ये जिंदा। तो क्या चेयरमैन साहब आप कह रहे हैं इसका मतलब जो पूरा चेयरमैन है वो पद की भूखी है? बिल्कुल वो पद की भूखी है, यदि पद की भूखी ना होती तो ऐसा ना करते हुए।